मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को पेज नंबर 75 की एक्सरसाइज कराया था। आज आप लोग 76 पेज नंबर पर बी और सी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें इंडिकेट किया गया है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और आर पास्ट सिंपल यानी पास्ट इनडिफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो आपको ये जानना है कि जो वर्क सेंटेंस में पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और जो वर्क जैसे दोनों वर्क पास्ट में ही हुए हैं, लेकिन जो वर्क पास्ट में पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और जो बाद में हुआ रहता है उसमें हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे आप लोग देखिए बी एक्सरसाइज में, द सन सेट बिफोर आई रेडी टू गो, यहाँ बी दिया है, बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है। तो द सन सेट बिफोर आई रेडी टू गो, सन पहले अस्त हो चुका था, द सन बिफोर आई रेडी टू गो। इसमें आप करेंगे द सन हैड पास्ट परफेक्ट, द सन हैड सेट, द सन हैड सेट बिफोर आई वॉज रेडी टू गो। ठीक है ना? सेकेंड में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पहला काम पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। थर्ड एक्सरसाइज में यहाँ हैव दिया है, दे हैव देयर डिनर बिफोर दे लीव, तो यहाँ पर आपको हैड का यूज़ करना है, लेकिन हैव ऐसे ही रहेगा, दे हैड हैव देयर डिनर बिफोर दे लीव का पास्ट फॉर्म लेफ्ट होगा, बिफोर दे लेफ्ट। फोर्थ है, ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई बॉट द की, बॉट ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा। मोहन हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी मोहन घर पहुंच चुका था वर्षा होने से पहले। ठीक ना? दे हैड गॉन होम। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, दे गो होम आफ्टर दे, नहीं, यहाँ पर उन्होंने पहले काम को फिनिश किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है ना? सेवेंथ में द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस, तो यहाँ पर द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। एट में व्हेन आई रीच द पोस्ट ऑफिस इट क्लोज ऑलरेडी, व्हेन आई, अब यहाँ पर इट हैड, पहले हम पोस्ट ऑफिस से, व्हेन आई रीच द पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था, तो यहाँ पर आप करेंगे व्हेन आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस इट हैड क्लोज्ड ऑलरेडी। बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड वन वुमन डाइड, औरत मर चुकी थी, तो आप लिखेंगे बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड वन वुमन हैड डाइड। फिर टेंथ में आफ्टर द बॉयज प्लग द फ्लावर दे रन अवे, आफ्टर द बॉयज प्लग्ड द फ्लावर दे हैड, तो यहाँ पर आफ्टर द बॉयज प्लग्ड द फ्लावर दे हैड रन अवे। सी एक्सरसाइज में है यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट सर लगता है, और हैज़ या हैव लगने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ भी आपको वही देखना है कि कौन सा काम
बाद में हुआ है, जो काम बाद में हुआ है उसके लिए आप सिंपल पास्ट यूज करिए। जैसे द फॉग हैज़, द फॉग हैज़ डिसअपीयर्ड व्हेन द सन रोज। टू थीप्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन लास्ट नाइट। ही इज मिस्टर कपूर, ही वॉज अ टीचर सिंस 2002। ही रोट ए बुक लास्ट ईयर, ही डिड नॉट पब्लिश इट एट। यहाँ दोनों में सिंपल पास्ट रहेगा। ही बॉट ए न्यू शर्ट लास्ट मंथ, सिंपल पास्ट। ही डिड नॉट वियर इट एट, यहाँ भी सिंपल पास्ट। यहाँ फिल्म को ऑलरेडी मैं देख, आई सी दिस फिल्म ऑलरेडी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड, आई हैव सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। आई सा इट इन मुंबई लास्ट मंथ। पहले में आपको करना है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरे में सिंपल पास्ट। आई मीट माई फ्रेंड लास्ट संडे, तो मीट को आप सेकेंड फॉर्म कर दें, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे। आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर दैट, दोनों में सिंपल पास्ट होगा। वी केम टू दिस टाउन इन 2006, कम का सेकेंड फॉर्म। वी केम टू दिस टाउन इन 2006, वी लिव्ड हियर सिंस देन, वी लिव्ड हियर सिंस देन। नाइन में हो जाएगा ही लेफ्ट हिज होम ए फ्यू डेज एगो, तो यहाँ पर आप ही हैज़ लेफ्ट कर दीजिए, ही हैज़ लेफ्ट हिज होम ए फ्यू डेज एगो, ही डिड नॉट कम बैक एट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फिर आप देखें द फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट इज यूज फॉर एन एक्शन विच इज टू प्लेस एट सम फ्यूचर मोमेंट। जो काम हमारा आगे होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं, और यहाँ शैल और विल का यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे वी शैल प्ले मैच ऑन संडे, वी विल रीच हियर इन द इवनिंग। इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करके और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूस इज यूज फॉर एन एक्शन विच इज बिगिन बिफोर एंड फिनिश आफ्टर, जो पहले शुरू होता है और बाद में बंद होता है, सर्टेन फ्यूचर मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप, द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक, सी विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज टू से समथिंग विल बी कंप्लीटेड बिफोर पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, मतलब किसी विशेष समय पर फ्यूचर में वो काम पूरा हो चुकेगा, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, माने शाम तक होगा। होम बिफोर सनसेट, मतलब सूर्यास्त से पहले सी विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बी और सी, जो बी एक्सरसाइज पेज नंबर 76 पर है और जो सी एक्सरसाइज पेज नंबर 76 और 77 पर है, उस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।